महागठबंधन की वकालत भले ही कांग्रेस की तरफ से की गई हो, लेकिन इस कोशिश को राजनीति जमीन पर उबारने का काम आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू की ये तस्वीरें कर रही हैं। दक्षिण से लेकर उत्तर और पश्चिमी तक नेताओं के साथ मंथन महागठबंधन की उस कोशिश की मजबूती है जो मोदी के विजय रथ में सबसे बड़ा रोड़ा साबित होगी। सत्ता के शिखर पर एक बार फिर सहयोगियों के स्तर से सरकार को खड़ा करेगी आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू। दक्षिण राजनीति में नया आज राजधानी दिल्ली पहुँचे, जहाँ उन्होंने सबसे पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ मंथन किया। इसके बाद से मुलाकात का सिलसिला बढ़ता चला गया और नायडू ने महागठबंधन को मिजावा पहनाने में जुटी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी के घर का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने राहुल गांधी से लंबी बातचीत की। हालांकि वो विपक्षियों को साथ लाने की जद्दोजहद में लगी सोनिया के साथ भी सहयोगियों को लेकर बात करना चाहते थे, लेकिन वो मुमकिन न हो सका। नायडू राहुल से मिलने के तुरंत बाद पश्चिमी राज्य महाराष्ट्र के मेदक शरद पवार से मिलने पहुंच गए। उनसे करीब 45 मिनट चर्चा में चुनाव और संभावित समीकरणों पर चर्चा की गई। इन सभी मुलाकातों में सबसे ज्यादा मंथन जिन नेताओं के साथ किया गया वो थे उत्तर प्रदेश के सियासत का रंग बदलने वाले अखिलेश और मायावती। सभी गैर बीजेपी दल इस बात से वाकिफ हैं कि महागठबंधन में क्षेत्रीय पार्टी सपा और बसपा की क्या अहमियत है। इसके बिना गठबंधन की कड़ियां मजबूत होना नामुमकिन है। इसीलिए जहां एक तरफ जो अखिलेश माया को मनाने में जुटी है तो वही कांग्रेस सहयोगियों के साथ के लिए कोशिश पूरी कर रही है, लेकिन क्या ये रंग लाती है ये आने वाला वक्त ही बताएगा।